हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका बायो से है और ये आपका चैप्टर सिक्स से है, जीव प्रक्रम से, यानी कि लाइफ प्रोसेस से। तो क्या है आज का हमारा क्वेश्चन, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, जो हमारे पेट है, जो हमारे स्टोमक है, उसमें अम्ल की क्या भूमिका है, इसे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका आंसर। देखिए, यह क्रियाशील एंजाइमों को कौन अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो क्रियाशील एंजाइम जो पाए जाते हैं हमारे पेट में जो भोजन होते हैं उसे पचाने के लिए जो भी क्रियाशील एंजाइम होते हैं उसको एक्टिव बनाने का कार्य करता है, जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं, जैसा कि मैं बताया, जिससे कि वे क्या में आ जाते हैं, क्रियाशील अवस्था में। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से भोजन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पेट में गया और यहाँ पे जो एंजाइम रिलीज होते हैं उसको ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, कौन, एसिड, अम्ल, जिससे कि इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है और इसमें भोजन में जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हमारे नजर से दूर रहते हैं, दिखते नहीं है, वे भोजन के साथ में चले जाते हैं, उसे ये मार देता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, यह भोजन को नरम कर देता है और यह भोजन क्या कर देगा, नरम कर देगा, यानी कि सॉफ्ट कर देगा, जिससे कि पाचन की क्रिया होती है वो तेजी से हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे अमाशय में अम्ल का फंक्शन, यानी कि एसिड का मेन वर्क। ठीक है, और बच्चों, जो इसमें एसिड निकलती है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आप इस तरह से लिख दोगे, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, अच्छे से आप लिख देना इसे और ध्यान में रखना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए।